पहले दोस्तों बात करते हैं रिक्त पदों पर टीजीटी पीजीटी पीआरटी अन्य पदों की भर्ती के रिगार्डिंग उत्तराखंड की नई भर्ती। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी के बारे में इन पदों के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं इसमें पीजीटी में हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, टीजीटी में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है और यहाँ पर काउंसलर की पोस्ट है। प्राइमरी में आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देख सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में और इंटरव्यू की बेस पर आपको जो है सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और इसमें लिए आपके पीजीटी में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो है आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि आपका जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय कराता है, आपका केवीएस कराता है, तो उसी के बेस पे आपका मतलब जो आर्मी पब्लिक स्कूल कराता है आपका, तो उसी के बेस पे एक स्कोर कार्ड मिलता है जो हर साल निकलते हैं एपीएस के थ्रू। ठीक है, उन पर आप यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका होना चाहिए, बताया गया है कि 25 और 26 नवंबर 2023 का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और मिनिमम जो है परसेंटाइल आपका यहाँ पर 70 से होना चाहिए कम से कम, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। यहाँ पर जो है बीएड और डीएलएड जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ऐसे आपका टीजीटी में भी है, इसमें आपके पास सेम रखा गया स्कोर कार्ड होना चाहिए, साथ में 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, यूटेट या आपके यूटेट होना कंपलसरी है। सेम कंप्यूटर टीजीटी में भी आपका रखा गया है, सेम टीजीटी यहाँ पर इसमें रखा गया है। ठीक है, और पीआरटी में भी आप लोग देखते हैं ये पोस्ट रखे गए हैं, इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी में यहाँ पर स्कोर कार्ड की मांगा गया नहीं, गया नहीं मांगा गया इसमें, पीआरटी में काउंसलर में नहीं मांगा गया है। ठीक है, और स्पेशल एजुकेटर इसमें नहीं मांगा गया है, बाकी सब जगह टीजीटी पीजीटी पीआरटी में सभी में मांगा गया है। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपकी एज लिमिट देखते हैं यहाँ पर, और अगर आप अदर वाले हैं एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो एज लिमिट देखते हैं आपके पास। और इसके लिए यहाँ पर ये आलू पूरा देखिए, और इसमें और क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ इसमें डेटेड। तो इसके लिए यहाँ पर 26 अप्रैल तक का समय दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और इसके लिए रानी के लिए बनाई हुई आपका फॉर्म फिल होंगे, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन वाले जो भी एक्सेप्ट होंगे उन्हीं को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आवेदन कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं कैंडिडेट इन पदों के लिए।